देखिए, मैंने अभी कहा था कि किसी भी उपन्यास को या किसी भी साहित्यिक कृति को पढ़ने से पहले हमें लेखक का परिचय जान लेना जरूरी होता है, जैसा कि हमने यशपाल का प्राप्त किया था, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में प्राप्त किया था। आज हम देखेंगे कि मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे। एक समृद्ध कलाकार के रूप में, कथाकार के रूप में उनके संपूर्ण साहित्य का संक्षिप्त परिचय हम देंगे आपको। उनके कथा संसार के परिचय के अंतर्गत उनके कहानी और उपन्यासों को एक सरसरी तौर पर देखने का प्रयास करेंगे, और इसके साथ आपको कथाकार मुन्नू भंडारी उर्फ महेंद्र कुमारी, महेंद्र कुमारी का शॉर्ट फॉर्म मन्नू है, उनके साहित्यिक व्यक्ति से परिचित करेंगे। कुछ चुनिंदा कहानियों के बारे में जानेंगे, उपन्यासों के, खास करके आपका बंटी उपन्यास का कथा सार देखेंगे, आपका बंटी उपन्यास के शीर्षक का औचित्य समझेंगे, और उपन्यास की अंतर्वस्तु और वैशिष्ट्य को आपके सम्मुख रखेंगे। देखिए, साहित्य समाज सापेक्ष विधा है, अपने समय की चुनौतियों का वह वहन करती है। यह कला कभी समय समाज से निरपेक्ष नहीं रह सकती। लेखक समाज से अपनी आधारभूत सामग्री लेकर उसका परिष्कार और संवर्धन करके उसमें नए रूप में रच करके अभिव्यक्ति कौशल्य से उसे संपन्न कर देता है। मुक्ति बोध इसे कला का तीसरा क्षण कहते हैं। कथाकार मुन्नू भंडारी का रचना संसार भी इस बात की पुष्टि करता है कि कथा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कहानियां और उपन्यास उन्होंने पाठकों को दी हैं। उनका रचनात्मक प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतत सक्रिय रचनाकार मुन्नू भंडारी ने कथा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कहानी और उपन्यास लिखे हैं। उनका रचना संसार रचनात्मक व्यक्तित्व जिन उपलब्धियों को समृद्ध करता है उनको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, जो मन्नू भंडारी जी हैं, रचनाकार हैं, उनके लेखन के मूल सरोकार जो उनके रचना में आए हुए हम दिखाई देते हैं। आधुनिक कथा के आयतन में, एक आयात उसका है, उसके आयतन में सामाजिक और निजी यथार्थ बहुत महत्वपूर्ण धरातल है। आपका बंटी निजी यथार्थ की गहरी संवेदना के साथ पाठक के समक्ष प्रस्तुत भी करता है। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय हम प्राप्त करेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ। सन 1949 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1952 में वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने परास्नातक मतलब एमए यानी मास्टर्स डिग्री उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के बाद मन्नू भंडारी कुछ समय के लिए कलकत्ता के रानी बिड़ला महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत रहीं। 1991 में वे सेवानिवृत्त हुई। लेखन के संस्कार उन्हें अपने पिता सुख संपत राय जी से मिले। बाद में कथाकार और प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका हंस के संपादक श्री राजेंद्र यादव जी से उनका विवाह हुआ और उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। वे मतलब उनके पिता सुख संपत राय जी भंडारी जी आर्य समाजी थे, और उस समय आर्य समाज के माध्यम से इसका बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था अंतरजातीय विवाह का। उस दृष्टि से मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, और दोनों ने मिलकर के, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने मिलकर के एक उपन्यास भी लिखा एकत्र, और एक नया प्रयोग भी किया। इसके उपरांत हम देखते हैं कि मन्नू भंडारी जी का साहित्यिक परिचय क्या है, यानी उनकी मृत्यु भी अभी 1-2 महीने पहले हुई है। हिंदी में कहानी के समय मन्नू भंडारी ने लेखन के क्षेत्र में कदम रखा। नई कहानी
जिसके चार प्रवर्तक थे बहुत महत्वपूर्ण, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा जी। इनके साथ साथ मुंड भंडारी भी जुड़ गई थी। मुंड भंडारी जी के लेखन का मुख्य क्षेत्र गद्य है, इसमें भी कथा लेखन बहुत महत्वपूर्ण उसके केंद्र में है। उनके 12 कहानी संग्रह हैं, जिनमें से एक प्लेट सैलाब में हार गई, तीन अनिगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, संपूर्ण कहानियां आदि। मुन्नू भंडारी जी के चार उपन्यास हैं, एक इंच मुस्कान, दूसरा आपका बंटी, तीसरा महाभोज और चौथा स्वामी। इनमें से आपका बंटी पर समय की धारा नाम से फिल्म निर्माण हो चुकी है, और उसके उपरांत हम देखते हैं कि स्वामी नाम के उपन्यास पर भी एक फिल्म बनी है, जिसमें शबाना आजमी जी ने, ये दोनों में शबाना आजमी जी ने रोल किया था। महाभोज पर बेदीवारों का घर नाम का, बेदरो दीवारों का घर नाम का एक नाटक भी निर्माण किया गया था। और एक इंच मुस्कान ऐसा उपन्यास है जो उन्होंने पत्नी के डायलॉग उन्होंने लिखे हैं, और पति के डायलॉग उनके पति राजेंद्र यादव ने लिखे हैं। यह एक प्रयोगात्मक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। नाटक एकांकी में महाभोज, बिना दीवारों का घर, उजली नगरी, चतुर राजा, बाल साहित्य में आसमाता, छोटा बाल उपन्यास है, आंखों देखा, झूठ और कलवा उल्लेखनीय है। कथा के अतिरिक्त कथेतर जगत से भी उनकी रचनाओं के संस्मरण में कितने कमलेश्वर बहुत उल्लेखनीय है, जो कमलेश्वर जी पर आधारित है। इसके अतिरिक्त संकल्प का सौंदर्य शास्त्र शीर्षक से उनकी एक संपादित पुस्तक है। उनकी कहानी यही सच है पर 1974 में बासु चटर्जी ने रजनीगंधा नाम की फिल्म बनाई बनाई थी, बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसमें अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा नायक नायिका के रूप में थे। बाद में सन 1977 में मुन्नू भंडारी के उपन्यास स्वामी पर निर्देशक बासु चटर्जी ने भी एक फिल्म बनाई, जिसके संवाद भी मुन्नू भंडारी जी ने ही लिखे थे। रजनीगंधा की तरह यह भी अत्यंत लोकप्रिय फिल्म रही। और स्वामी पर शबाना आजमी जी को 1978 का उस सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक कहानी यह भी इस शीर्षक से उन्होंने आत्मकथा लिखी है, और एक उनकी एक कहानी एक खाने आकाश नाई, इस पर भी एक फिल्म बनी है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और शबाना आजमी थे लगभग वही। और आपका बंटी पर भी जो फिल्म बनी है उसमें भी शत्रुघ्न सिन्हा और शबाना आजमी है। और उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है एक कहानी यह भी। वरिष्ठ कथाकार और मन्नू जी के साहित्यिक के गंभीर अध्येता सुधा अरोड़ा जी लिखती हैं इस आत्मकथा के संदर्भ में। मन्नू जी कहती जरूर हैं, पुरुषों की सामंती और दंभी मनोवृत्ति को उघाड़ना चाहिए, यह मन्नू जी का कथन है, पर दूसरों के लिए, जो दूसरी महिलाएं खुल करके लिखें और ऐसे पुरुषों के व्यवहार पर अंकुश लगाएं, परंतु मन्नू जी यह खुद नहीं करती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विरोधाभास रहते हैं, और उस विरोधाभास को लेकर के यह चर्चा है। दरअसल वे अपने निजी प्रसंगों को एक तटस्थ नजरिए से नहीं देख पाई, न अपनी निजी पीड़ा के विश्लेषण को ही सामाजिक सारोकार ढूंढ पाई, इसलिए अपने जीवन के त्रासद प्रसंगों का खुल करके वो ब्यौरा नहीं दे पाई है। उन्होंने अपनी शालीनता, गरिमा, संभ्रांतता को गहनों की तरह पहन रखा है। आत्मकथा आप तभी लिख सकते हैं जब आप ये मान करके चलें कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, जैसे बेबी हलदार, बेबी कांबड़े, चंद्रकिरण, सौंड रिक्सा, मल्लिका अमरशिक, सुनीता देशपांडे, उर्मिला पावर जैसे लेखिकाओं ने अपनी आत्मकथा में सब कुछ लिखा है, लेकिन मुन्नू भंडारी ये लिख नहीं पाई, क्योंकि वो कुछ संस्कारों से बंधी थी और हर चीज का वो विश्लेषण नहीं कर सकती थी। खास करके अपने पति के बारे में ज्यादा नहीं लिख सकती थी, क्योंकि उनके पति राजेंद्र यादव के बारे में भी बहुत सारे विवाद हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। मुंडू भंडारी जी को उनके साहित्यिक योगदान पर बहुत से पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। महाभोज के लिए उन्हें, महाभोज उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास राजनीतिक है, वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का पुरस्कार मिला। महाभोज के लिए ही भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का पुरस्कार भी मिला। मुन्नू भंडारी जी को बिहार राज्य भाषा परिषद का पुरस्कार भी मिला है। भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड आपको मिला है, पीपल्स अवार्ड भी मिला है। इसके अतिरिक्त राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, हिंदी अकादमी दिल्ली के शला का सम्मान, व्यास सम्मान आदि से मुन्नू भंडारी जी को भी सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं मुन्नू भंडारी जी के अन्य परिचय के ऊपर, जहाँ
उनके कथा संग्रहों की हम बात करेंगे। कथाकार मन्नू भंडारी जी के 12 कथा संग्रह प्रसिद्ध हैं, जिनमें से मैं हार गई, तीन निगाहों की तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, आंखें आंखों देखा झूठ, मन्नू भंडारी की श्रेष्ठ कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां, प्रतिनिधि कहानियां, 10 प्रतिनिधि कहानियां, नायक खलनायक विदूषक और कथापट कथा शीर्षक से उनके कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। इनमें से कथापट कथा जो है उन्होंने स्वामी फिल्म की जो पटकथा लिखी थी वो उसमें है। मैं हार गई मन्नू भंडारी जी की पहली कहानी संग्रह है, जिसमें कमजोर लड़कियों का, फिर यही सच है में भी प्रेम की बात रखी गई है। अगर आप वो उनकी फिल्म देखेंगे रजनी रजनीकांत, तो आपको इस बात का पता चल गया। उनकी कील और कसक, नई नौकरी, ये सारी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं कहानियों की ओर इसलिए ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई औचित्य यहाँ नहीं है, हम उपन्यासों की ओर देखेंगे। उनके चार उपन्यास हैं, जिसमें से एक इंच मुस्कान, जिए भोगे सत्य और प्रामाणिक अनुभव की आवाज़ उठाने वाली नई कहानी के आंदोलन की महत्वपूर्ण कथाकार मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास एक इंच मुस्कान है, जो उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के लिखा था। यह 1961 में प्रकाशित हुआ। ज्ञानोदय पत्रिका में यह उपन्यास किश्तों में प्रकाशित हुआ, धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह आधुनिक जीवन में घटित एक दुखद प्रेम कहानी है। अमर, रंजना और अमला, ये तीन चरित्र हैं, और कभी भी देखा जाए तो उपन्यासों में त्रिकोण रहता है, जैसे फिल्मों में रहता है। भले ही यह उपन्यास एक रचनाकार दंपत्ति के लिए लिखा लिखे अंशों पर पाठक रिझते हैं, लेकिन अपनी आत्मकथा यह कहानी अपनी एक कहानी यह में भी मन्नू भंडारी ने बताया है कि ज्ञानोदय के संपादक शरद देवड़ा बताते हैं कि राजेंद्र जी के अध्याय पर कोई पत्र आए ही नहीं। अब देखिए मन्नू जी के अध्याय पर कितने प्रशंसात्मक पत्र आते हैं। ये मतलब देखिए, ये जरूरी है कि जब पति और पत्नी मिलकर के एकांत काम करते हैं तो पति की उतनी प्रशंसा नहीं की जाती जितनी पत्नी की, यहाँ वो प्रकट किया गया है। आपका बंटी उनका दूसरा उपन्यास है, जो 1971 में प्रकाशित हुआ। आपका बंटी ये उनका सबसे चर्चित उपन्यास है, जो नेटसेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। अपने लेखन वर्ष से लेकर के आज तक इसकी लगातार चर्चा बनी हुई है और हर विश्वविद्यालय में के पाठ्यक्रम में यह लगता है। यह उपन्यास आधुनिक जीवन के एकाकी परिवारों में तलाकशुदा पति पत्नी की अपनी स्थिति, उनके जीवन में टूटती पुरानी स्थिति और नई बनती स्थिति से पैदा होती विसंगतियों का दंश झेलते हुए बच्चे की पीड़ादायक स्थिति का आख्यान है। बंटी के अवचेतन की परतों को उघाड़ने के लिए यह उपन्यास उनके माता पिता के अकेलेपन और पीड़ा से भी अधिक हमें साक्षात्कार कराता है। उनका 1979 में प्रकाशित है, 1979 में प्रकाशित महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें स्वातंत्र्योत्तर काल की राजनीति में आई मूल्यहीनता और विसंगतियों की कहानी कही गई है। भ्रष्ट नेताओं का चरित्र, उनकी अमानवीयता, गुंडागर्दी, चुनाव जीतने के सारे हथकंडे और पुलिस प्रशासन से उनकी सांठगांठ का इसमें चित्रण किया गया है। यह संयोग की बात है कि मन्नू भंडारी जी की पहली कहानी मैं हार गई भी राजनीति और वर्तमान नेताओं के कर्म और चरित्र के द्वैत का मूल्यांकन करती है, दोहरेपन का मूल्यांकन करती है। महाभोज उपन्यास स्वतंत्रता से उपजे मोहभंग, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, दलितों पर अत्याचार, राजनीतिक हत्याएं, सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाना, जनता की बेचारगी के साथ जनतंत्र की विडंबनामयी तस्वीर को पाठक के समक्ष रखता है। पूंजीवादी लोकतंत्र का घिनौना और अमानवीय रूप किस कदर आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है, इसकी अभिव्यक्ति करता यह उपन्यास है। इस उपन्यास का तेवर विद्रोही तेवर है, मार्क्सवादी तेवर है। महाभोज अपने समय के यथार्थ को काल्पनिक कथा के रूप में व्यक्त करता है। बाद में इस उपन्यास का नाट्य रूपांतर भी हुआ और इसके अनेक नाट्य प्रस्तुतियां भी हुई। उनका तीसरा चौथा उपन्यास है, पहला एक इंच मुस्कान, दूसरा आपका बंटी, तीसरा महाभोज और चौथा स्वामी। मन्नू भंडारी का एक इंच मुस्कान मिलकर के लिखा गया उपन्यास है पति के साथ, तो स्वामी उपन्यास मन्नू जी के रूपांतरित उपन्यास कहा जा सकता है। शरद चंद्र से क्षमा याचना सहित, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने देवदास लिखे,
उनको उनकी क्षमा मांगते हुए उन्होंने इस उपन्यास में स्वीकार किया है कि यह उपन्यास चंद्रशेखर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की इस स्वामी कहानी का विस्तार है। कहानी को विस्तृत रूप में उन्होंने उपन्यास रूप दिया है। उपन्यास की कहानी मिनी नाम के एक चरित्र के प्रेम और उसके विवाह के पक्षों के गहरे अंतर्द्वंद्व की कहानी है। विवाहित होने पर भी अपने प्रेमी को न भूल पाने और विवाह के बाद कथित संयोग से पुराने प्रेमी से मुलाकात और उसके संग भाग जाने का जो निर्णय लेने वाली मिनी है, उस स्थिति मिनी अपनी स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करती है। पति से विरक्ति धीरे धीरे उसके स्वभाव के प्रति मिनी के सहानुभूति में परिवर्तित कर देती है और फिर आस्था में। द्वंद्व से गुजर कर मिनी अपना निर्णय बदल लेती है और अपने पति के साथ ही संपूर्ण जीवन बिताने का निर्णय लेती है, अपने प्रेमी को छोड़ करके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अब हम चलते हैं आपका बंटी के कथा सार की ओर। प्रायः 11 बजे तक हमारी ये तासिका रहेगी। इसमें हम आपका बंटी का कथा सार आपको प्रस्तुत करेंगे। आपका बंटी, देखिए मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि आपका बंटी इस उपन्यास पर आधारित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था समय की धारा। वो उसकी यूट्यूब लिंक मैंने भेज दी, वो पहले आप उसे भी देखें। आपका बंटी उपन्यास का केंद्र बंटी उर्फ अरूप बत्रा नाम का एक 9 वर्ष का चौथी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है, लड़का है। उपन्यास के घटनाओं का केंद्र भी बंटी है और घटनाओं की प्रतिक्रियाओं का भोक्ता भी वही है। सब कुछ भोगना उसे ही पड़ता है। यह उपन्यास बाल मनोविज्ञान की अनेक परतों को पाठकों के समक्ष खोल कर रख देता है। बंटी का जीवन उसके अन्य हम उम्र मतलब उनके उसके समवयस्क बच्चों की तरह सामान्य नहीं है। वह भले ही एक संपन्न घर का इकलौता लड़का है, पर उसकी माँ और पिता कुछ वर्षों से अलग रह रहे हैं। उसके बाल मन पर इस दुख की गहरी छायाएं विद्यमान हैं। माता पिता का गृहस्थ जीवन टूटने की कगार पर है। 7 साल के गृहस्थ जीवन में बंटी के पापा अजय और मम्मी शकुन के बीच अपनत्व विकसित नहीं हो सका, जिसका पूरा असर बंटी के जीवन पर दिखाई देता है। बंटी की मम्मी शकुन एक पढ़ी लिखी संभ्रांत और आत्मनिर्भर महिला है जो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रिंसिपल है। उसके पिता अलग हो करके दूसरे शहर कलकत्ता में भी रहते हैं और वहाँ किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बंटी मम्मी के साथ कॉलेज के आवासीय परिसर में ही रहता है, जिसको हम क्वार्टर कहें। ऐसे में घर की देखभाल करने वाली फूफी बंटी के बहुत निकट है। बंटी के अकेले जीवन में उसके मम्मी पापा के अतिरिक्त स्नेह के भरे पूरे क्षण फूफी के कारण ही है। फूफी के परीलोक के किस्सों में बंटी की जान बसती है, मतलब फूफी उसे परियों की कहानियां सुनाती है जिससे वो बहुत प्रसन्न होता है। फूफी के अतिरिक्त पड़ोस में रहने वाला उसका हम उम्र दोस्त, समवयस्क दोस्त टीटू है। ध्यान रखिए, नाम पूछा जा सकता है परीक्षा में, टीटू। टीटू के साथ बंटी खूब खेलता है, लड़ता झगड़ता भी है। उसकी अम्मा को बंटी पसंद नहीं है, टीटू की अम्मा को बंटी पसंद नहीं है। कुछ स्कूली दोस्त भी बंटी के जीवन में है। बंटी की दुनिया बहुत छोटी सी है। इस दुनिया में वह अकेलेपन, अभाव और माता पिता के साथ के लिए बंटी तरसता रहता है। उसकी इच्छा भी यह है कि मम्मी पापा की लड़ाई किसी भी सूरत में दोस्ती में बदल जाए। घर में अधिक रहने के कारण वह मम्मी पर पूरी तरह से निर्भर है। उसकी तमाम हरकतें कई लोगों को लड़कियों जैसी भावुक बना देती है। मतलब उसका पालन पोषण मम्मी ने लड़के की तरह नहीं किया, अपितु तो लड़की की तरह किया है। शकुन चाहती है कि उसका परिवार सुखी परिवार बने, उसका बेटा बंटी खुश रहे। शकुन के जीवन का अकेलापन उस पर हावी होता जाता है। बंटी उसका एकमात्र आसरा है। बंटी पापा के द्वारा भेजे गए वकील चाचा के घर आने पर उसे पता चलता है कि बंटी के मम्मी पापा के रिश्ते का आखिरी तंतु नष्ट हो करके तलाक की भेंट चढ़ने वाला है, तलाक होने वाली है दोनों में। पापा का संबंध मीरा नामक एक अन्य स्त्री से है। वह गर्भवती है इसलिए तलाक लेकर के वह विवाह करना चाहता है। ध्यान रखिए, विवाहेतर संबंध में गर्भवती लड़की रह गई,
तो उसका उस बच्चे का, गर्भ के बच्चे का पिता कहलाने के लिए उसे अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देना है, उसकी मजबूरी भी थी, विवशता भी थी। शकुन जीवन की एक गहरी त्रासदी से गुजरती है, उसके दुख का साथी बंटी ही है। घर के हालात बंटी को असमय बड़ा बना देते हैं। पापा से प्यार करते हुए और उनके लाए खिलौनों से खेलने का इच्छुक होते हुए भी वह अपनी इन इच्छाओं को मम्मी के खातिर त्याग देता है। पापा की एकमात्र तस्वीर उसने उसने अपने अलमारी में रख दी है। तस्वीर मतलब फोटो, पापा की एक फोटो है उसने अलमारी में रखी है, वो पापा से प्यार करता है। पापा की एकमात्र तस्वीर उसको भी अलमारी में रख देता है, जिससे से मम्मी को कोई दुख न पहुंचे, मम्मी उसकी तस्वीर न देखे। मम्मी को खुश करने के लिए वह सभी तरह के उपाय करता रहता है, एक बच्चे की तरह। बंटी अच्छा चित्रकार भी है, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार है। फूफी से जादू नगरी के किस्से सुनने का वह उसे बहुत शौक है, परी कथा सुनने का बहुत शौक है। किस्से सुनकर के भांति भांति की कल्पनाएं वो किया करता है। यही नहीं, छोटी उम्र में एक बगीचा भी उसने लगाया हुआ है, उसकी बागवानी भी बड़ी गहरी जानकारी है उसे। मतलब किस प्रकार पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए, किस प्रकार उनके बढ़ते पत्तों को काट देना चाहिए, वगैरह वगैरह। मम्मी पापा के तलाक के कुछ दिन बाद मम्मी के व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। वह खुश रहने लगती है, बनाव श्रृंगार में उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। बंटी के बिना बाहर वो घूमने भी जाने लगी है। बंटी अपनी मम्मी का स्पर्श, बातचीत और समय सबके लिए तरसता है। मम्मी का अधिकांश समय कॉलेज और उसके बाद डॉक्टर जोशी के साथ गुजरने लगता है। बंटी को यह नया परिवर्तन बिल्कुल रास नहीं आता। उसे लगता है कि उसकी मम्मी उसे उससे दूर होते जा रही है। मम्मी के जीवन पर बंटी का एकाधिकार जैसे समाप्त हो जाता है। असहाय स्थिति में बंटी न सिर्फ घर में उत्पात मचाता है, बल्कि घर पर आए हुए डॉक्टर जोशी का भी अपमान करता है। वो मम्मी से लड़ता है, ये सारी देखिए बाल मनोविज्ञान की बातें हैं, गुस्से में तोड़फोड़ भी करता है। शकुन में आया यह नया नया परिवर्तन बंटी को रास नहीं आता। वो हमेशा अपनी माँ की हमदर्द रही फूफी बंटी के भविष्य को देखते हुए डॉक्टर जोशी से शकुन की बढ़ती नजरिया को सही नहीं मानती। ध्यान रखिए, एक अनपढ़ औरत एक पढ़ी लिखी प्रिंसिपल से कहती है कि बंटी का अगर भविष्य तुम्हें ठीक ठाक चाहिए तो डॉक्टर जोशी से नजदीकियां मत बढ़ाओ। कुछ दिन के बाद शकुन का विवाह डॉक्टर जोशी से ही हो जाता है। फूफी हरिद्वार चली जाती है। डॉक्टर जोशी एक बड़ी कोठी में अपनी लड़की जोत, लड़के अमित यानी अमी जोत और नौकर के साथ रहते हैं। उनका भी ये दूसरा विवाह है। इस नए परिवेश में आने पर बंटी को परायापन महसूस होता है, जैसे किसी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ न टीटू है, न फूफी, न बंटी का बगीचा, न वकील चाचा। मम्मी है पर पराई लग रही है। शकुन का जीवन भी दो हिस्सों में बंट सा गया है। यहां आकर बंटी का गुस्सा उग्र होता चला जाता है। मम्मी और डॉक्टर जोशी की नजदीकियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने पिता की जगह डॉक्टर जोशी को कभी देखना नहीं चाहता। वह मम्मी से बदला लेने पर उतारू हो जाता है। डॉक्टर जोशी के लड़के के साथ हाथापाई करता है, मारामारी करता है अमित के साथ। शकुन और परेशान होती है। पापा के पास जाने का मन बनाता है तो दो हिस्सों में बंटा बंटी विवश शकुन का इनकार नहीं कर सकता। मतलब जब वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है तो माँ शकुन बत्रा उसे कहती है कि तुम अपने पिता की ओर जाओ। अब वो पापा के साथ कलकत्ता आता है। इस नए जीवन में डॉक्टर जोशी की तरह जोशी की जगह मीरा लेती है, सौतेली माँ। वहां सौतेला बाप था, यहाँ सौतेली माँ है। मीरा यानी बंटी के पापा की दूसरी पत्नी। अमित की जगह, मतलब अमी की जगह उसका नया भाई चीनू लेता है। अब देखिए, अजय और मीरा के बेटे का नाम चीनू है, जो छोटा है। उसे लगता है कि पापा भी मम्मी की भूमिका में उतर आए हैं। यहाँ मीरा और पापा के बीच बंटी को लेकर के अक्सर बहस होती रहती है, चर्चा होती रहती है। पापा बंटी के उचित विकास की दृष्टि से उसे हॉस्टल का दाखिला करवाना चाहते, क्योंकि ये
हर बार वो अब ऐसा हो गया है कि जिस प्रकार वो मम्मी से लड़ने लगता है वैसे मीरा से भी लड़ने लगता है, जैसे अमी से लड़ता है वैसे ही नए बच्चे से भी लड़ता है जिसका नाम चीनू है उससे भी लड़ता है। तो अंत में ये ज्यादा लड़ाई न बढ़े इसलिए अजय बत्रा ये निर्णय लेते हैं कि बंटी को यानी अरूप बत्रा को हॉस्टल में भेज देंगे ताकि वो वहां रह करके कुछ पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके। बंटी यह नहीं चाहता लेकिन अब किसी भी बात का विरोध करना उसने छोड़ दिया। बंटी के जीवन में अब न क्रोध है, न रुचियां, न दोस्त, न मम्मी, न पापा। पापा के साथ रह करके भी वह नितांत अकेला रहता है। हालात उसे अंतर्मुखी बनाते हैं, बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी बनाते हैं। कक्षा में अव्वल आने वाला बंटी पढ़ाई में पिछड़ जाता है। पहले जब तक तो वो माँ के साथ था, बिना दूसरा विवाह किए, बिना जो पहली माँ थी उसके साथ जब रहता था वो अपनी क्लास में अव्वल दर्जे में आता था, परंतु कलकत्ता आकर के बंटी का क्रोध, उसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है, वो पढ़ना भी नहीं चाहता और अक्सर उसे फेलुराम वो फेल हो जाता है परीक्षाओं में। डॉक्टर जोशी के घर रहते हुए फेल हो जाता है तो सारे बच्चे उसे फेलुराम कह करके चढ़ाने लग जाते हैं। उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, दयनीय स्थिति में उसकी कारुणिक दशा अनेक घटनाओं से व्यक्त होती है। बंटी में आया यह एक परिवर्तन एक बच्चे के जीवन की भीषण यातनाओं का खाका खींचता है। उसके हॉस्टल जाने की तैयारी पूरी होती है। पापा उसके विकास का यही रास्ता चुनते हैं। किसी ने किसी से अपने मन की बात कहे बिना बंटी के आधे अधूरे एकाकी जीवन की एक और यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। न जाने कौन से बिंदु पर जाकर के विश्राम लेने के लिए यह उपन्यास का अंत है। और पत्र लिखता है वो, और पत्र में बाद अंत में लिखा लिखा जाता है ना आपका अमुक अमुक, तो वैसे आपका बंटी ये उपन्यास का शीर्षक है। फिल्म इस पर जो फिल्म बनी है जिसका नाम मैंने बताया था समय की धारा है, इसमें फिल्म में बंटी की मृत्यु दिखाई है हालांकि उपन्यास में मृत्यु नहीं है। अब हम चलते हैं उपन्यास के शीर्षक पर। उपन्यास का ये नाम क्यों पड़ा? किसी भी उपन्यास का शीर्षक, अब देखिए हमने कथानक बहुत शॉर्ट में देखा, जैसे हमने अमिता का बहुत विस्तृत कथानक देखा था वैसा नहीं देखा, क्योंकि अमिता में समझने के लिए बहुत कुछ था, यहाँ समझने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा आप हर रोज देखते हैं ऐसी बातें आज के जीवन में। अमिता में जरा पुराना इतिहास था, ये दैनंदिन जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं, इसलिए हमने इसे शॉर्ट में बता दिया। अब चलते हैं उपन्यास के शीर्षक की ओर। किसी भी उपन्यास का शीर्षक उसके कथा के केंद्रीय विचार, भाव, चरित्र, युग, समस्या और परिवेश आदि को व्यक्त करने वाला होता है। जैसे अमिता, अमिता उपन्यास का केंद्र अमिता है, केंद्रस्थ पात्र है, इसलिए वो अमिता। देखिए प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान कृषक समाज के आर्थिक अभाव और जीवन में होरी के नाम के किसान की साधारण सी इच्छा के पूरे न होने को प्रतीकित करता है। और यह नाटक होरी नाटक आप जोशी सर से पढ़ चुके हैं, ये ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, केवल एक उदाहरण दिया गोदान उपन्यास का। इसी प्रकार प्रेमचंद रचित निर्मला, जैनेन्द्र के सुनीता, मैत्री पुष्पा की अलमा कबूतरी, जितने भी शीर्षक हैं वो सारे केंद्रीय पात्र पर आधारित होते हैं, केंद्रीय चरित्रों पर आधारित होते हैं। इसी तरह रेणु का मैला आंचल, श्रीलाल शुक्ल का राजेंद्राक्त दरबारी, यशपाल का झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, अपने परिवेश केंद्रीय परिवेश पर आधारित होता है, युगीन समस्याओं पर आधारित है, उन प्रवृत्तियों को उभारने वाला शीर्षक है जिनकी कथा आधार भूमि से तादात्म्य पाती है। अब आपका बंटी उपन्यास का शीर्षक दो धरातल पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है। इस उपन्यास से गुजरते हुए पाठक अनुभव करता है कि कथा में घटित घटनाओं का बंटी नाम के बच्चे पर कितना गहरा असर पड़ता है। उसका जीवन इससे प्रभावित होकर लगातार उसे अपने मम्मी पापा से दूर अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। दूसरे इस शीर्षक में आपका शब्द भी बहुत विशिष्ट है। आपका बंटी, बंटी है अमिता की तरह केंद्रीय पात्र बंटी है, लेकिन आपका शब्द जोड़ने से क्या होता है, वो पढ़ने वालों का बंटी बन जाता है। इसलिए बंटी के प्रति सहानुभूति निर्माण हो जाती है, बंटी के प्रति अपनत्व का भाव निर्माण हो जाता है, लगता है बंटी अपने घर का ही है, ऐसा भी लगने लगता है। एक मिनट में चार्जिंग लगता है।
विविधता लेशा ऐसा मुने आज का अंतिम क्वेश्चन लामिने मैं कौन घरने लाने हाँ तो देखिए उपन्यास की भूमिका में उपन्यासकार ने स्वयं स्पष्ट किया है वो किस नाम से स्पष्ट किया है उपन्यास की भूमिका बंटी की कुंडली नाम से प्रसिद्ध किया देखिए या जन्म पत्रिका बंटी की जन्म पत्रिका इस नाम से उन्होंने ये उपन्यास की भूमिका लिखी हुई है लेखिका ने और उसमें यह स्पष्ट किया है कि बंटी केवल अजय और शकुन की उपेक्षित संतान नहीं है बल्कि यह कहानी आधुनिक जीवन में उन सभी तलाकशुदा परिवारों की कहानी है कहानी बन जाती है जहां बच्चों को बंटी की तरह जीवन के विपरीत परिस्थितियों का शिकार होकर के जीना पड़ता है। उपन्यासकार ने के मंतव्य और इस उपन्यास के शीर्षक के विषय में प्रसिद्ध आलोचिका प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर निर्मला जैन जी का कहना है कि 8वें दशक में मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी का प्रकाशित प्रकाशन साहित्य जगत में एक बहुत बड़ी घटना थी। इसका कारण यह था कि तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों की समस्या को पूरे विस्तार के साथ परखने वाला यह पहला और मौलिक प्रयास था और बहुत उल्लेखनीय प्रयास था। उपन्यास का शीर्षक तो इस तथ्य की ओर संकेत करता ही है, उसका अंत भी जिस बिंदु पर जाकर किया है उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि समाज की यह एक ऐसी समस्या है जिसका निश्चित हल किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि लेखिका का मंतव्य कुछ ऐसा ही रहा हो। आलोचिका या समीक्षक निर्मला जैन अपनी आलोचना में इस उपन्यास को बंटी की माँ शकुन के नजरिए से देखती है और शकुन को उनकी सहानुभूति मिलती है, क्योंकि लेखिका स्वयं महिला है और आलोचक भी स्वयं महिला है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो शकुन की दृष्टि से लिखी गई है कहानी। शकुन से सहानुभूति रखने के बावजूद भी इस उपन्यास में स्थितियों से संघर्षरत बंटी की कथा पाठकों को विचलित कर देती है और पाठकों का खास करके पुरुष पाठकों का मन बंटी की ओर ज्यादा आकर्षित होता है न कि शकुन के प्रति। बंटी की जिज्ञासाएं यानी जानने की इच्छाएं, उसकी चंचलता, माँ के प्रति गहरा अनुराग और चिंता, फूफी और दोस्त टीटू के साथ उसके लड़ाई झगड़े, पिता से उसका प्रेम, डॉक्टर जोशी से उसकी नफरत, माँ के प्रति बदलता हुआ उसका दृष्टिकोण, सभी घटनाओं के केंद्र में बंटी ही है, शकुन नहीं। और वही इन घटनाओं का भोक्ता भी है। घटनाएं चाहे किसी भी पात्र के साथ घटित हों, पाठक की दृष्टि बंटी पर ही केंद्रित रहती है। अंत की दृष्टि से भी देखें तो बंटी के हॉस्टल जाने का प्रसंग बेहद मार्मिक है। इस तरह उपन्यास का शीर्षक एक ओर बंटी के चरित्र को केंद्र में रखता है तो दूसरी ओर लेखिका आधुनिक एकाकी परिवारों में जीवन बिता रहे अनेक बंटियों की ओर इशारा भी करती है। 10 मिनट और लेकर के छोड़ेंगे। अब उपन्यास की अंतर्वस्तु को समझना है हमने, उपन्यास के कथानक को समझा, उपन्यास के शीर्षक को समझा, अब हम आगे चलते हैं उपन्यास की अंतर्वस्तु पर। उपन्यास में क्या लिखा गया है वह उसके अंतर की वस्तु, उसके अंदर की वस्तु, उसका मूल, उसकी कथा वस्तु की ओर हमें जाना है। आपका बंटी उपन्यास की अंतर्वस्तु व्यक्ति के सामाजिक और निजी यथार्थ का गहन अंकन है। परिवार, विवाह, अलगाव, तलाक, पुनर्विवाह और ऐसे असामान्य परिवारों में छोटी उम्र के बच्चों की स्थिति का विश्लेषण कर रहा यह उपन्यास है। उपन्यास एक परिवार की कहानी है जिसमें जिसके 3 पात्र हैं, शकुन, अजय और अरूप उर्फ बंटी। देखा जाए तो यह परिवार की इकाई दिखते तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में आई हुई प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ये तीनों आपस में अलग अलग है। बंटी अलग है, अजय अलग है, शकुन अलग है। इन तीनों का संबंध जैविक संबंध जरूर है, विवाह हो चुका है और बच्चा पैदा हो चुका है इसलिए, परंतु इन तीनों में कोई भी सामान्य तौर पर जोड़े रखने वाला तंतु नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उपन्यासकार ने स्थितियों, घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किरदारों को रचा है।
यही कारण है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए किसी भी किरदार पर सीधा दोषारोपण करने में असमर्थ रहता है। मतलब पूरी की पूरी बंटी गलत है, पूरी की पूरी अजय गलत है, पूरी की पूरी तरह शकुन गलत है, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां उनको इस प्रकार का गलत काम करने के लिए मजबूर करती है, विवश करती है। इस बात को उपन्यास के आरंभ में ही उपन्यासकार मुन्नू भंडारी जी अपने वक्तव्य में, जिसको उन्होंने बंटी की जन्मपत्री कहा है, उसमें लिखा है, इस त्रिकोण में, मतलब अजय, शकुन और अरूप यानी बंटी, इन तीनों का ये त्रिकोण है, ये तीन इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को अस्वीकार न कर सके। ये तीनों की, तीन कोण की तीनों अलग अलग भुजाएं होती हैं, बाजुएं होती हैं, इसमें कोई भी एक अस्वीकार नहीं हो सकती। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रहे। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वो अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध है। शकुन गलत नहीं है, अजय गलत नहीं है, बंटी गलत नहीं है, अपितु शकुन और अजय के संबंध गलत है, अपितु अजय और बंटी के संबंध गलत है, अपितु शकुन और बंटी के संबंध गलत हो सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति गलत नहीं है। परिस्थितियों के कारण यह सब हो रहा है। कथा की अंतर्वस्तु को यदि हम कहानी के आदि, मध्य और अंत की दृष्टि से देखें, मतलब देखिए कि अगर हम अमिता उपन्यास की बात करें तो उसमें प्राक्कथन और 13 प्रकरण थे। उस प्रकार अगर देखा जाए तो आरंभ, मध्य और अंत, ये कहानी का है इसका। तो आपका बंटी उपन्यास के आरंभ में शकुन और उसके इकलौते बेटे बंटी उर्फ अरूप बत्रा पर पाठक का ध्यान केंद्रित होता है। 9 वर्ष के इस लड़के के पिता के साथ नहीं रहते और उसकी माँ को उम्मीद है कि उसका पति और बंटी का पिता शायद फिर परिवार में लौट आएगा। शुरुआत में शकुन को ऐसा लगता है कि अजय बत्रा जो उसे छोड़ करके चला गया है वो वापस आएगा, उसे ऐसा लगता है, आशा है। पिता का अभाव और दुखी माँ की स्थिति के बीच बड़ा होने वाला बंटी असमय परिपक्व भी होता है और अकेला भी। पिता से माँ का तलाक होता है और पिता की दूसरी शादी भी संपन्न होती है। उपन्यास के मध्य भाग में माँ के जीवन में उतरे प्रेम और डॉक्टर जोशी से विवाह तक फैला है। मतलब दूसरा भाग जो है वो ज्यादा क्रिटिकल है, वो ज्यादा आलोचकीय है, क्योंकि इसमें देखिए कि तलाक का मूल कारण क्या है। तलाक का मूल कारण यह है कि अजय बत्रा जो अपनी पत्नी को छोड़कर गया है उसने विवाहेतर संबंध किसी और लड़की से रखे हुए हैं और वो जब माँ बनने वाली है तो उसे उससे जड़ से उससे शादी करनी पड़ेगी, ये उसकी विवशता है। परंतु ये जो दूसरा भाग है उस दूसरे की बात यह कि उसमें बदला लेने के मिस से, बदला लेने के बहाने, अगर अजय दूसरी शादी कर सकता है तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती हूँ, इस प्रतियोगिता में अधिकतर ये द्वंद्व जो खास करके शकुन के दिमाग का है उसमें आ जाता है। तो देखिए कि उपन्यास का मध्य भाग माँ के जीवन में, बंटी की दृष्टि से माँ की जीवन में उतरे प्रेम और डॉक्टर जोशी के विवाह तक फैला है। बंटी की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। इस नई स्थिति के में वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता। पुराना घर, फूफी, टीटू जैसा दोस्त, बगीचा, उसके सब के सब जो प्रेम की चीजें थी, उसके आकर्षण की जो चीजें थी, वो सारी की सारी छूटी जाती हैं। मम्मी से उसकी नाराजगी अब बदले की भावना तक पहुंचती है। वो पहले मम्मी से केवल नाराज था, अब मम्मी से बदला लेना चाहता था, संघर्ष करना चाहता था। कहानी का अंतिम भाग जो है तीसरा, बंटी को माँ से दूर, शहर से दूर कलकत्ता में पिता के पास ले जाता है। हताश, एकाकी, आहत बंटी अपने मूल स्वभाव और बाल सुलभ चंचलता बिल्कुल खो बैठता है। वह अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मम्मी पापा उसके लिए पराये से हो जाते हैं। परिस्थितियों का विवश स्वीकार ही उसके लिए अंतिम रास्ता बचता है। बंटी बिना प्रतिवाद किए न चाहते हुए भी पिता की इच्छा पर हॉस्टल जाता है। आरंभ में
उसके हॉस्टेल जाने का विरोध करने वाली माँ भी इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाती। तलाकशुदा जोड़ों की संतानों के गहन दुख की कहानी आपका बंटी है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1969 से 71 के बीच लिखा गया ये उपन्यास, उसकी अंतर्वस्तु को हम उस रूप में परख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे मैं बता रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको अवश्य देखें। और आज हम यहाँ रुकते हैं। अगले सोमवार से हम एकाकी परिवारों में अलगाव के परिणामों पर चर्चा करेंगे। उसके उपरांत उपन्यास की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे, खास करके बंटी की पीड़ा का आख्यान के रूप में ये उपन्यास कैसे आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में इस उपन्यास का सारांश भी आपको बताएंगे और कुछ उद्धरण भी उपन्यास के लेंगे जिसके माध्यम से इस उपन्यास को आप आसानी से समझ पाएंगे। इतना कह करके आज हम यहाँ रुक जाते हैं। तब जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद। सोमवार को फिर मिलेंगे।